हेलो दोस्तों, जब आप 2023-24 असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स फाइल करने के लिए बैठोगे तो आपके सामने 404 एरर यानी कि पेज नॉट फाउंड ऐसा एक पेज आ सकता है। तो अगर आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा तो कैसे आप रिटर्न फाइल करोगे, इसको लेकर आज का हमारा ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात कर लूँ कि कब ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ऑनलाइन पोर्टल पे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो टैब है उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज नॉट फाउंड बोल के ये पेज आ जाएगा। जबकि आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा पेज आना चाहिए था जहाँ पे सेविंग्स का इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट और अदर्स जो इनकम है उसका लिस्ट ओपन होना चाहिए था, पर वो नहीं होके ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको तब एक प्लान करना है और ये प्लानिंग है कि अभी आप ऑनलाइन मोड पे रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, जो एसएससी है यानी जो टैक्स पेयर है वो लॉग आउट कर देते हैं, फिर लॉग इन करके फिर से पोर्टल में जाकर रिटर्न फाइल की कोशिश करते हैं, पर बारी बारी करने के बाद भी आपके सामने 404 एरर आएगा। तो अभी आपको ऑफलाइन मोड पे रिटर्न फाइल करना है। अगर आप पहली बार ऑफलाइन मोड पे रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे आपको ऑफलाइन मोड पे रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना है। तो चलिए इसके लिए हमको सबसे पहले जाने होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। अभी आपको जाना है डाउनलोड टैब में, तो डाउनलोड टैब में जाके हम लोग क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने 2023-24 असेसमेंट ईयर की जितने सारी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसका ऑफलाइन वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी अगर आप ITR 1 से लेकर ITR 4 फाइल कर रहे हो तो कॉमन ऑन ऑफलाइन यूटिलिटी बोल के जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करने होंगे। तो यूटिलिटी बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो ऑफलाइन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको ये डाउनलोड होने में 15 से 20 सेकेंड टाइम लग सकता है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम लोग इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे डाउनलोड लगभग हो चुका है, तो अभी हम लोग चलेंगे डाउनलोड फोल्डर में। अभी डाउनलोड फोल्डर पे देखिए ये फाइल डाउनलोड होके आ चुका है। अभी हमको ये फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो अभी हम करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो जितने सारे फाइल्स हैं इसके अंदर तो वो सारे एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। अभी देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी आपको सेटअप में क्लिक करना है। सेटअप 1.1.2 इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद 15 से 20 सेकेंड टाइम लेगा और आपके सामने जो ऑफलाइन पेज है वो ओपन हो जाएगा। ऑफलाइन प्रोसेस सेम ऑनलाइन प्रोसेस की तरह ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया कोई सिस्टम है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको आसानी से फाइल कर सकते हो, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखने होंगे क्योंकि ये जो फोल्डर है फोल्डर से फाइल एक्सट्रैक्ट होके ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जहां पे इनिशियलाइजेशन का जो आपको प्रोसेस है वो दिखाएगा। तो अभी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद लोडिंग दिखाएगा, फिर आपके सामने अगर कोई पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है तो उसको ओके कर लीजिए। और अभी आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। तो आपको जाना है फाइल रिटर्न पे। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद आपको प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना है। तो आप अगर डाउनलोडेड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करके प्रोसेस करना है और आपको पैन नंबर दे के यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। अब देखिए अगर आप ऑफलाइन पर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो हो सकता है कि जब आप फाइलिंग में बैठे हो कुछ देर बाद आपको दूसरा कोई काम आ गया है तो आप उसको ऑफ करके अगर दूसरे जगह पे चले जाओगे तो अभी आपको लगेगा कि क्या आप नेक्स्ट टाइम जब बैठोगे तो क्या फिर से प्रोसेस करना होगा। जी नहीं, तब आपको फिर से प्रोसेस नहीं करना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। तो बैक करके आप यहाँ पे आ जाइए और ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न इस पर क्लिक कीजिए। तो अगर आपका कोई अनफिनिश्ड टास्क है तो वो यहाँ पे दिखाएगा, तो इसको आप क्लिक करके फर्दर प्रोसेस कर सकते हो कि आप जो है ऑनलाइन मोड पे जैसे फाइल कर रहे हैं ऑफलाइन मोड पे भी ऐसे ही फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला है।
ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन को हिट कीजिए, और अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।